तो दोस्तों आज हम बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट के बारे में। आपके भी क्या एक मोबाइल नंबर तीन तीन अकाउंट में लगे हुए हैं या फिर दो अकाउंट में लगे हुए हैं, तो आप किस प्रकार से एम कनेक्ट यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में? आपके अकाउंट में दो अकाउंट है, दोनों में एक ही मोबाइल नंबर लगे हुए हैं, तो आप किस प्रकार से एम कनेक्ट यूज कर सकते हो? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर इसका आंसर दीजिए, सर इसका आंसर दीजिए। तो आज फाइनली मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूँ। मैंने इसके लिए बैंक में जाके भी बात की और मैंने कस्टमर केयर से भी बात की, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर सपोर्ट से भी बात की। तो लाइव मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना ले वाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा ही यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। मैं गोविंद शर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नंदिनी टेक्नो। तो दोस्तों चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं फिर स्टार्ट। बड़ौदा में आपका स्वागत है। खोए हुए कार्ड संबंधित या किसी अनधिकारित लेन देन के बारे में हमें सूचित करने के लिए एक दबाइए। बैंकिंग सेवा और अन्य सूचना के लिए दो दबाएं। कृपया अपने 14 अंकों का खाता दर्ज करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को स्थानांतरित करते हैं। जी सर, मुझे ये जानकारी चाहिए कि हम जो एम कनेक्ट यूज करते हैं, तो सर मेरा एक मोबाइल नंबर है जो मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के दो अकाउंट में कनेक्टेड है, तो मुझे उन दोनों में एम कनेक्ट यूज करना है, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ? आप मुझे सहायता कर सकते हैं किस प्रकार से मैं कर सकता हूँ वो? जी सर, संकेत चेक कर ले सर, कॉल बनी है सर। आपका सर पूरा नाम जान सकते हैं सर? जी सर, मेरा नाम गोविंद शर्मा है। गोविंद सर, नाम बताने धन्यवाद सर। आपका जो अकाउंट नंबर है 8951, यही सर? हाँ सर। आप जानना चाहते हैं कि आप अलग अलग मोबाइल में आप एम कनेक्ट प्लस यूज करना चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरा एक एक नंबर है जो मेरे दो अकाउंट में लॉगिन है, एक ही नंबर है जो दो अकाउंट में है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मुझे उस दोनों अकाउंट पे चलाना है, तो एक नंबर से किस प्रकार से चल सकता है वो मुझे जानकारी देनी है। नहीं सर, बस अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक ही अकाउंट है? नहीं, अकाउंट दो है सर, मोबाइल नंबर एक है, दोनों अकाउंट सेम मोबाइल नंबर है दो अकाउंट में। तो आपको अलग अलग मोबाइल पे आपको आपको एम कनेक्ट आपको चलाना है सर आपको? हाँ जी सर, या फिर उसी मोबाइल में, एक मोबाइल में वही सिम लगी हुई है जो रजिस्टर दोनों अकाउंट में, तो उस मोबाइल में दो एम कनेक्ट यूज हो जाएंगे ना? सर मैं जानकर चेक कर लेता हूँ, कॉल भी बन गई है सर। हाँ जी, जानकर चेक कर लेते हैं, मैं लग रहा है आपकी कॉल एक मिनट के होल्ड पे रख सकता हूँ गोविंद सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, होल्ड पे बने के लिए धन्यवाद सर। गोविंद सर, जानना चाहते हैं सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कस्टमर आईडी जो होता है ना सर, वो आपको सेम रखनी रहेगी सर, आपको तो आप यूज कर सकते हैं सर आप। जी सर, इस ब्रांच जाके सर कस्टमर आईडी वो आप सेम करनी होगी सर आपको। जी सर, कस्टमर आईडी का मतलब सर किस प्रकार से मैं समझाने? कस्टमर आईडी सर उसे कहते हैं जो आपको अकाउंट खुलाते हुए आपको वेलकम किट मिली होगी, तो उसमें कस्टमर आईडी लिखा होगा सर, AFB00092018 के कस्टमर आईडी ना सर, दोनों अकाउंट की अलग अलग है सर वो। जी सर, हाँ, तो आपको दोनों सेम करानी होगी, तो आप सर यूज कर सकते हैं अलग अलग मोबाइल पे एम कनेक्ट। जी सर, मैं इसका मतलब कस्टमर आईडी ब्रांच से करवानी होगी क्या सेम? हाँ सब ब्रांच, हाँ सर वहाँ जाके करानी होगी सर आपको। उसके बाद सर एक मोबाइल नंबर है तो वो दो अकाउंट में, तो दोनों में एम कनेक्ट यूज हो जाएगा अलग अलग? जी सर यूज हो जाएगा सर, कर सकते हैं आप। जी सर, अलग अलग मोबाइल में होगा कि एक मोबाइल में होगा? नहीं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं सर, आप कस्टमर आईडी सेम है ना, देखो आपके दो अकाउंट है, दोनों अकाउंट का कस्टमर आईडी अलग अलग है सर। जी सर, तो कस्टमर आईडी दोनों को आप एक कराइए, और एक कराने के बाद आप दोनों मोबाइल पे आप एम कनेक्ट प्लस आप यूज कर सकते हैं सर आप। जी सर, सिम तो एक किसी एक मोबाइल में लगी होगी ना, वो रजिस्टर मोबाइल नंबर की जो रजिस्टर होंगे, सिम तो एक किसी एक मोबाइल में होगी, तो सेकंड वाले मोबाइल में ओटीपी कहाँ से डालेंगे सर? आपका जो कस्टमर आईडी है तो सेम हो जाएगी ना, तो फिर सर उसे आप यूज कर सकते हैं। मतलब जी सर, कस्टमर आईडी करवानी होगी हमें जाके, है ना, ब्रांच से जाके सेम करवानी होगी, और वहाँ पे वो लॉग इन करके दे देंगे आप फिर, है ना सर? जी सर, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सर आप वहाँ पे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक कॉल करने के धन्यवाद सर गोविंद सर, और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं सर? नहीं जी सर, धन्यवाद। ठीक कॉल करने के धन्यवाद सर।
तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने कस्टमर केयर से बात की, तो उन्होंने हमें क्या कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपके दो अकाउंट है जिसमें एक ही मोबाइल नंबर लगे हुए हैं, उनमें आपको आपकी कस्टमर आईडी है वो सेम करवानी होगी। ब्रांच में जाके आपको क्या करना होगा, दोनों अकाउंट की कस्टमर आईडी जो है वो सेम करवानी होगी। उसके बाद आप है ना एक मोबाइल में दो एमकनेक्ट यूज़ कर सकते हो, दोनों ही आपके एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर हैं अकाउंट, तो ठीक है। या फिर आप अलग अलग कर सकते हो, तो कस्टमर केयर ने इसे अभी लास्ट में मैंने यही बात की थी कि अलग अलग यूज़ कर सकते हो, तो उसको भी थोड़ा बहुत शायद पता नहीं था कि क्या था पता नहीं, वो ऐसे बोल दिया था लास्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक ही मोबाइल में फिर दो एमकनेक्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली एक ही मोबाइल में दो एमकनेक्ट यूज़ करने के लिए आपको ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच में जाने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की दोनों अकाउंट की कस्टमर आईडी सेम करवा लेनी होगी। वहाँ से आपको दोनों के लिए एम पिन है जो वन टाइम ओटीपी के रूप में आते हैं हमारे, वो वहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों अकाउंट में आपको अपने मोबाइल नंबर पे मंगवा लेनी होगी। उसके बाद अपने मोबाइल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एमकनेक्ट के लिए, दोनों एमकनेक्ट के लिए, ठीक है। दो एमकनेक्ट पता है आपको किस प्रकार चलते हैं, एक तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, एक आप पैरेलल स्पेस से चला सकते हो। दोनों एमकनेक्ट आप एक ही मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, एक अकाउंट एक मोबाइल नंबर से हैं आपके दो अकाउंट, ठीक है। तब उस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, ओटीपी में कोई प्रॉब्लम, मैंने लगभग सारे एमकनेक्ट के वीडियो बना दिए, मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।